दोस्तों, खोज करना मानव जाति की एक फितरत होती है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है और मनुष्य समय के साथ अपनी खोज का दायरा बढ़ाता ही रहता है। पर क्या हो अगर हम ऐसी चीज की खोज करें जिसका कोई अंत ही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मैं हमारे ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका कोई अंत ही मौजूद नहीं है और जिसमें अरबों खरबों तारे, करोड़ों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। मानव सभ्यता की इस खोजी फितरत ने जन्म दिया मानव इतिहास के अब तक के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान यानी वॉयजर को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और स्वागत है आपका रहस्य टीवी के एक नए एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे मानव इतिहास के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान वॉयजर के बारे में। दोस्तों, बात करीब 41 साल पहले की है। वर्ष 1977 के अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दो अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए, जिन्हें वॉयजर 1 और वॉयजर 2 नाम दिया गया था। वॉयजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर केप कनारवेल से छोड़ा गया था। वहीं वॉयजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य सौर मंडल के ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून और यूनेरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाना था। इनके लॉन्च के लिए साल 1977 को चुनने का मुख्य कारण था जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून ग्रहों का एक फेवरेबल अलाइनमेंट। इन दोनों यानों के साथ गोल्डन रिकॉर्ड भी अटैच किया गया है। गोल्डन रिकॉर्ड एक 12 इंच गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है, जो एक फोटोग्राफ रिकॉर्डर है, जिसमें मानव इतिहास के अब तक के कुछ महत्वपूर्ण इमेजेस और साउंड्स स्टोर किए गए हैं, जो मानव इतिहास के अब तक के सफर और हमारे अर्थ के डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ और कल्चर को दर्शाते हैं। वर्तमान समय में वॉयजर 1 हमारे सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। अभी यह हमारे पृथ्वी से करीब 21 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि वॉयजर 1 से धरती पर संदेश आने में करीब 36 घंटों का समय लग जाता है, वो भी तब जब ये रेडियो संकेत 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं, यानी लगभग प्रकाश की गति से। वहीं वॉयजर 2 हमारे पृथ्वी से 17 अरब किलोमीटर दूर है और यह हेलिस हेल्थ में मौजूद है, जो कि हीलियोस्फीयर का बाहरी भाग है। आप इसे हमारे सौरमंडल की बाहरी सीमा भी कह सकते हैं। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि वॉयजर 2 से धरती पर एक संदेश आने में करीब 30 घंटों का समय लग जाता है। करीब 41 साल बाद भी ये दोनों यान अच्छे से काम कर रहे हैं और मानवता की निशानी दूर ब्रह्मांड तक पहुंचा रहे हैं। पर अब समय के साथ ये दोनों बूढ़े हो चले हैं, इनकी ताकत बेहद कमजोर हो चली है और इनकी तकनीक भी अब बेहद पुरानी हो चुकी है। आज वॉयजर यानों से आने वाले संदेशों को पकड़ने के लिए नासा को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके लिए नासा ने दुनिया भर में बहुत सारे रेडियो संकेत सेंटर बना रखे हैं। इस अभियान से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एड स्टोन कहते हैं कि आज वॉयजर ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ नहीं है। वो बताते हैं कि वॉयजर अभियान के डिजाइन पर 1972 में काम शुरू किया गया था। इस अभियान से जुड़े वैज्ञानिक बताते हैं कि वॉयजर यानों में ग्रामोफोन या कहें गोल्डन रिकॉर्ड लगाने का उद्देश्य एक आशा थी। आशा ये कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जीवन अवश्य है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वॉयजर यान मिले तो उसे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। यानी वॉयजर सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया मानवता का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हुए हैं, जो आने वाले करीब 1 अरब सालों तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान अगर वॉयजर किसी सभ्यता के हाथ लग गया जो ब्रह्मांड में कहीं बसा हुआ है, तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का और उसके प्रगति का संदेश मिलेगा। लॉन्च के 18 महीने बाद यानी कि 1979 में वॉयजर 1 और वॉयजर 2 ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाना शुरू किया। दोनों यानों ने बृहस्पति ग्रह की बेहद ही साफ और दिलचस्प जानकारियां भेजी। जैसे वॉयजर अभियान से पहले माना जाता था कि केवल धरती पर ही ज्वालामुखी मौजूद है, पर वॉयजर यानों द्वारा भेजी गई जानकारियों से पता चला कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद है। नासा की सीनियर वैज्ञानिक एड स्टोन का कहना है कि वॉयजर अभियान ने सौर मंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए। पहले हमें लगता था कि केवल धरती पर ही सागर मौजूद है,
पर वॉयजर ने हमें बताया कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर भी सागर मौजूद है। वॉयजर यानों ने शनि ग्रह के बारे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने शनि ग्रह के छल्लों यानी कि रिंग्स की कई तस्वीरें भेजी और हमें बताया कि शनि के उपग्रह टाइटन में हाइड्रोकार्बन के सागर मौजूद हैं, जो इथेन और मीथेन से मिलकर बने हुए हैं। वॉयजर अभियान के जरिए हमें शनि ग्रह के छोटे से चंद्रमा एनसेलाडस का पता चला था। आज अगर सौरमंडल में जीवन की सबसे अधिक संभावना कहीं मौजूद है तो वह शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर ही है। वॉयजर यानों से ही हमें पता चला कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं पे अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिसके लिए हमें नए अभियान भेजने की जरूरत है। नवंबर 1980 में वॉयजर 1 ने शनि के आगे का सफर शुरू किया, जिसके करीब 9 महीने बाद वॉयजर 2 ने भी सौरमंडल के दूर के ग्रहों की पड़ताल शुरू की। सन 1986 में वॉयजर 2 यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचा। उसने पहली बार इस ग्रह की इतनी साफ तस्वीरें और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें भेजी। यूरेनस को पार कर वॉयजर 2 1989 में नेपट्यून ग्रह के पास पहुंचा, जिसने इस ग्रह के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वॉयजर 2 ने नेपट्यून के चंद्रमा ट्राइटन के बारे में भी कई खुलासे किए और हमें सबसे पहली बार पता चला कि ट्राइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर मौजूद हैं। अपनी इस लंबी यात्रा में वॉयजर यानों ने हमारे सौरमंडल और ग्रहों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें अवगत कराया और सौरमंडल और ग्रहों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। वॉयजर यान मनुष्य के खोजी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आने वाले कई सालों तक मानवता का संदेश दूर अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचाता रहेगा। वॉयजर यानों द्वारा किए गए खोज के बुनियाद पर ही बाद में कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियान शुरू किए गए, जैसे शनि ग्रह के लिए कैसिनी हाइजेंस अभियान भेजे गए, जिसके बारे में मैंने आपको रहस्य टीवी न्यूज के दूसरे एपिसोड में बताया था, और वहीं बृहस्पति ग्रह के लिए गैलीलियो और जूनो जैसे अभियान भेजे गए। इन दोनों ग्रहों को प्रमुखता देने का सबसे बड़ा कारण है इनके चंद्रमा, जो कि मानव जाति के लिए अपार संभावनाओं से भरे हुए हैं। इन दोनों ग्रहों के बारे में जानकारियां जुटाकर हम सौरमंडल के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं, क्योंकि सौरमंडल में बनने वाले ये सबसे शुरुआती ग्रह थे। मानव इतिहास में कुछ गिने चुने अभियान ही हुए हैं जिनसे हमें इतनी सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। आज 40 वर्ष बाद भी तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है, ऐसे में ये ज्ञान अब पुराने हो चले हैं। वॉयजर विश्व के पहले ऐसे अंतरिक्ष अभियान थे जिनका नियंत्रण कंप्यूटर के हाथ में था। आज इतने सालों बाद भी ये दोनों ही यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम भी चालू करते हैं। वॉयजर यानों को बनाने में इस्तेमाल हुई तकनीक हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फोन और सीडी प्लेयर्स वॉयजर में इस्तेमाल हुए कोडिंग सिस्टम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में स्मार्टफोन से तस्वीरें प्रोसेस करने की जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, वो वॉयजर यानों के विकास के दौरान ही खोजी गई थी। वैसे तो अपने लंबे सफर के दौरान वॉयजर यानों ने कई महान और न भुला पाने वाले क्षण दिए हैं, पर वॉयजर अभियान का सबसे महान पल उस वक्त आया था जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे धरती की तरफ घुमाए थे। उस दौरान पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीली प्रकाश जैसी दिख रही थी। अभियान से जुड़ी वैज्ञानिक एमिली लकड़ेवाला कहती हैं कि पूरे ब्रह्मांड में यह एक छोटी सी नीली रंग की टिमटिमाहट ही वो एक ऐसी जगह है जहां हम जानते हैं कि जीवन मौजूद है। वो कहती हैं कि अगर भविष्य में किसी खगोलीय घटना से धरती पर से जीवन समाप्त हो गया, ऐसे में वॉयजर यानों के जरिए हमारी सभ्यता की निशानियां सुदूर अनंत ब्रह्मांड में बची रहेंगी। 2013 में वॉयजर 1 अंतरिक्ष यान सौरमंडल के बाहर सुदूर ब्रह्मांड में अपनी एकाकी यात्रा में निकल गया। आज यह यान गुप्त अंधेरे में अपना एकाकी सफर तय कर रहा है, जहां अंधेरे और ठंड के अलावा कुछ नहीं है। पर अपने अंतिम समय में भी यह कभी कभी सुदूर ब्रह्मांड की अनदेखी तस्वीरें हमें भेजता है। जल्द ही वॉयजर 2 यान भी हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर सुदूर ब्रह्मांड के अपने एकाकी सफर के लिए निकल जाएगा। इन दोनों यानों को वी के शेप में अर्थ से ट्रेजेक्ट किया गया था, जो कि दो अलग अलग स्टार सिस्टम में जाकर मानवता का संदेश देंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यानों में मॉलिक्यूलर बैटरी लगे हुए हैं और जल्द ही इन बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो जाएगा। हर साल इन बैटरी से 4 वाट कम बिजली बनती है। वॉयजर अभियान के प्रोग्राम मैनेजर सूजी डांड कहती हैं कि हमें बेहद ही सावधानी से वॉयजर अभियान को जारी रखना है।
इसके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं और दोनों यानों के कैमरे भी बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि सुदूर अंतरिक्ष में गुप्त अंधेरे के अलावा देखने को कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बचाकर वॉयेजर यानों को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा रहा है। आने वाले 10 वर्षों में दोनों ही अंतरिक्ष यानों को बंद करना होगा। यह मानवता के लिए सबसे दुखद पलों में से एक होगा। हालांकि तब तक ये दोनों ही यान अपनी बेहद ही दिलचस्प जिंदगी का सफर पूरा कर चुके होंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यान आने वाले कई सालों तक अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को मानवता के ये दूत मिल जाएं, फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकेंगे। वॉयेजर अभियान के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में हमेशा के लिए अमर रहेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो वॉयेजर अभियान ने मानवता को हमेशा के लिए अमर कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यह एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल वीडियो है जिसे मैं कई दिनों से बनाना चाहता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।